अरे नहीं हुआ, अरे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आसान की ओर। तो यार आज का सीन ये है कि आज हम लोग जा रहे हैं फुटबॉल मैच खेलने। पहले हम लोग जाते थे शब्बीर भाई के ग्राउंड जो है कराची यूनिवर्सिटी फुटसल ग्राउंड जो है यूनिवर्सिटी रोड पे, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट प्लान है। शब्बीर भाई का हम लोग का होम ग्राउंड था, जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव चैम्पियंस ग्राउंड और जो है गुलशन में, तो मिलता है वहाँ पे। हाँ तो भाई मैं ग्राउंड पहुँच गया हूँ, फैजियाब, उज़ैफा, समीर और शेर भी पहुँच गए, बाकी एसार, अरसलान और मीसम मिलो भी हैं, बाकी ग्राउंड पहुंच गए हैं। देखते हैं ग्राउंड कैसा है, थोड़ा बहुत वार्म अप करते हैं फिर मैच खेलते हैं। अरे नाइस था, अरे नाइस, एंड 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 हो गया। बहुत आगे, बहुत आगे, बहुत आगे था यार वो। हैं? अबे एक जगह, अबे रिकॉर्डिंग तो बनी हुई है। करेला कोई नया रूल निकाल के लाया। अबे ले लो जगह, ले लो जगह, ले लो यार, इतना दम घट्टा लगा। अबे हट दे, वो आ रहा है रास्ते में ना। यार सही है, सही है, सही है, सही है। क्या हो गया? अबे असल में ये भाई ने बंदा सही नहीं लिया, बॉडी पे रखता ना। अरे नाइस, नहीं हुआ भाई, गोल है। स्कोर जो है अभी 1-1 है, मैं बैठ गया हूँ, मेरी जगह अभी फैजियाब खड़ा हुआ है। थोड़ा मुश्किल है इस ग्राउंड में खेलना क्योंकि जूतों में जो ना ग्रास बहुत ज़्यादा जो है ग्रिप हो रही है, तो भागा नहीं जा रहा सही से। हमारा एक्सपीरियंस कम है ना असल में, अभी हम 5-on-5 खेलते हैं, ये 6-on-6 है और ग्राउंड बड़ा है, ग्राउंड भी बड़ा और चेंज है और चौड़ाई में भी बड़ा है और ग्रास भी डिफरेंट है बहुत। ग्रास क्या कारपेट ही बेकार है। अब हम लोग जिस ग्राउंड में खेलते हैं ना वो कारपेट जो है ना उसकी जो ग्रास है वो बहुत सॉफ्ट है। खैर है, देखते हैं, 1-1 है। उज़ैफा भाई जाएंगे फिर हो सकता है कि मैच वैच पलट जाए। उज़ैफा भाई रुके भाई, क्या हो? अरे यार शाबाश, नाइस ट्राई। अरे ग्राउंड बहुत बोर है बे, अजीब ग्राउंड है बे, भागा नहीं आ रहा है इस ग्राउंड में। अरे 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 गोल है यार, क्या कर रहे हो? अबे लेकिन जानी बंदा आया उसका एहसास को थोड़ी पता था, फजूल की अपील है ये।
शाबाश जी को। शाबाश शाबा शाबा तेरे पीछे से बंदा निकलता है हमेशा। मिशन में देख विंग छोड़ा हुआ है पीछे राइट पे। हमेशा इसके पीछे से बंदा निकलेगा। और जब तू और मैं थे मैंने तो क्या बोला था, उसी पे रहिए और किसी पे नहीं जाइए, क्योंकि बीच से मैं देख रहा था सही हो रही थी पासिंग उस वक्त। अगर पासिंग की बात नहीं, अभी डिफेंड भी सही हो रही थी उस वक्त। मुझे जानी बात ये है, इनको एक्सपीरियंस हमें नहीं है इस ग्राउंड का ना। वो देखता आउटसाइड, उनको पहले भी पता कहाँ पे जाना। शाबा 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 हाँ दे रहे हैं, आखिर के 5 मिनट रह गए और 3-3 ऑल है, मैच बराबर चल रहा है अभी। ये साल ने तो बहुत रोके हैं भाई। वेल प्लेयर। हम लोग हार गए 4-3 हार गए। अगर यसाल भाई नहीं होते तो हम लोग को कोई 20-25 गोल हो जाते यार। यसाल ने तो बचाया ना बर्न वाकी में। पहल ब्लेड भाई है साल कर रहा था ना डायरेक्ट अटैम्प्ट क्यों नहीं, वो मैंने पता ही क्यों नहीं किया, मेरी गलती थी। आप देख रहे हो नॉर्मल जड़ाओं पर यहाँ से आउटसाइड क्यों नहीं होती है। आजा भाई अंदर समझ रहे हैं, मैं दीवार के साथ से खड़ा हुआ था, मैं बोला वो आउटसाइड है तो मेरा एंगल नहीं था। मैं कैसे बैठिया तेरी गलती नहीं है। नहीं मैं बता रहा हूं शोएब भाई बहुत अच्छा खेला आपने। नहीं आपने यार लास्ट टाइम भी अच्छा खेला था, इस बार भी कर रहे थे। वही बात है आप तो की बात बता रहे हैं। सफाई नहीं बंद पे चली है सारी गांड पे रखे हैं। सफाई नहीं देना, मैं बता जगह बंद बंद तो आउटसाइड ही बाहर है बंदे को स्ट्राइकर को और कहते हैं कल घूमना ले लेनी थी। अभी ये ऊपर की बॉल नहीं रोक पाता है। अबे कोई है ही नहीं बेचारा, डिफेंड में अकेले आगे रोक रहा है। पकड़ लिया कर, ये कर लिया कर, वो कर लिया। तू एक बार कीपर आ जा, तू एक बार कीपर आ जा ठीक है, एक मैच के 4-5 बार सेट करके फिर बंदा वैसे ही लग ही जाता है। इतना बड़ा गोल वो डायरेक्ट मार रहे थे भाई, उठना उठना लग गया कुछ भी हो जाए। रिजवान क्या हो गया, रिजवान जी बात कर रहे हो यार तुम, पाकिस्तानी प्लेयर नहीं किंग कोहली। किंग कोहली ये मैं नहीं लूंगा, नहीं यार रिस्पेक्ट है साल भाई के लिए। तो यार मैच की समरी हम लोग देंगे अभी। हम लोग जो है वो 5-3 हार गए। पिछले 3-4 हफ्तों से हम लोग अच्छा खेल रहे थे लेकिन इस बार हम लोग 5-3 हार गए पिछली वाली टीम से ही। मैंने आपको बताया था कि हम लोग अवे ग्राउंड में जा रहे हैं तो इसलिए हम लोग पहली बार गए थे तो थोड़ी मुश्किलात आई थी। पहले हम लोग खेलते थे जो है 5-on-5 तो उसमें इतनी मुश्किल नहीं आती थी क्योंकि हम लोग 3-1 खेलते थे। अब आज हमने खेला 6-on-6। एक तो ग्राउंड भी जो है वो ग्राउंड की जो ग्रास थी उस पर जो है आपके जूते जो है वो स्किट नहीं कर रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रिप हो के चल रहे थे तो उस पर हम एक तो भाग नहीं पा रहे थे। बाकी 6-on-6 की वजह से हम 3 बंदे पीछे 2 बंदे आगे। अब हमारे डिफेंडर जो हैं सेंटर की जगह छोड़ दी, साइड वाले आगे जा रहे हैं और आगे वाले बीच में हो रहे हैं तो उस वजह से जो मुझे लगा कि हमारी कुछ मिस्टेक थी इस वजह से हम लोग हारे। टीम इतनी ख़ास नहीं थी क्यों समीर भाई? अबे वही है, मैंने ये बोला था कि टीम वही थी जो पिछली बार थी और उनको हमने प्यार से हराया था। मतलब एंडिंग के टाइम पर तो हम यही बोल रहे थे मज़ा नहीं आ रहा, गेम ख़त्म करते हैं ये वो। अब इसमें ये सीन था, एक तो हमारे हिसाब से कोर्ट हमें बड़ा लग रहा था लेकिन नहीं था वो 6-on-6 जो बोल लेते ना पीछे सही था आगे, लेकिन जब मिडिल में बॉल आ रही थी ना तो बहुत कंजस्टेड हो रहा था क्योंकि जिसके बाद बॉल हो रही थी सारे ऐसे मिल के आ जाते थे तो जगह ही नहीं बनती थी। तो वो था, और हम इतने टाइम से जिस कोर्ट में खेल रहे हैं शब्बीर भाई वाले कोर्ट में जो KU का कोर्ट है
हमें वहाँ की आदत हो गई है जो बात है, जो बात है। और उसकी ग्रास अच्छी है, हमें पता है वहाँ पे वहाँ की बॉल भी अच्छी है, फुटबॉल भी अच्छी है, यहाँ फुटबॉल भी आपने देख ली। तो ये डिसाइड हम ये नहीं कह रहे कि हमने इतना कोई खास भी नहीं खेला टीम वाइज के, लेकिन बस वही है एक वो कोर्ट की वजह से और उसकी वजह से थोड़ा बहुत वो हो गया, 6-on-6 की हमें आदत भी नहीं। हाँ उसकी वजह से हो गया, बाकी क्या बोलते हैं अगर वही है हमें इतने टाइम से वही कोर्ट वगैरह में खेलना है, वहाँ पे हमारा हम सबकी पोजीशन सेट है, सबको पता है कि कोई अब हमें कौन कहाँ मिल सकता है कौन कहाँ नहीं मिल सकता। बॉल में बाउंस बहुत अच्छा है, कारपेट वहाँ का इतना अच्छा है, कोर्ट अच्छा है, अब इसमें बॉल स्केट होकर बहुत फास्ट आ रही थी। हाँ इसमें यही था और बॉल भी इतनी खास नहीं थी, वही है। खैर हम में से जितने भी थे सब हारना जीतना तो अलग ही नहीं, किसी को मज़ा नहीं आया। हाँ, हम हारे जीते तो बहुत लेंगे, वही अभी मज़ा आया खेल के, मज़ा नहीं आया। हमें ये होता है हम संडे को खेलते हैं हमारा बिल्कुल डीप टेंशन होते सब रिलीज हुए, तो आज मज़ा नहीं आया। हाँ आज मज़ा नहीं आया बिल्कुल, सब यही बोल रहे थे हम, क्या सारे बोल रहे थे चलो हार जीत तो अलग, खेलने में मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया था आज। चलो खैर है कि अभी देखते हैं नेक्स्ट मैच, शबीर भाई ग्राउंड हमें मिल रहा। हाँ बोला हुआ तो है, और वो देखा था वो वाली टीम कैसे खुश हो रही थी, उनके लिए अच्छी बात है भाई, पहली बार उन्होंने हराया सामने वाली टीम ऐसे खुश हो रही थी जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया। खैर देखते हैं नेक्स्ट मैच में क्या होता है, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तब तक के लिए सब्सक्राइब टू हसन क्योस और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।